जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो मशीनें भेजता है ताकि उसके अंगूठा झूठे की जो तस्वीर लेनी है वो वही हो जाए, उसको एयरपोर्ट पे ही हो जाए और वो बगैर रुकावट के वो लाहौर आ जाए और एक जलसे पे खिताब भी कर ले। अब वो तो वजीर आजम बन गया है, वो गवर्नर हाउस में चाहता है तो वहां तो मीटिंग करता है, वो जिसको चाहता है उसकी तैनाती होती है, जिसको चाहता है उसकी उसका तबादला होता है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा मुतालबा है। हम किसी की गिरफ्तारी पे या खवातीन को जेल में रखने के हक में नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मदामत की है ऐसे अदवार में और आज भी हमारा यही ऐलान है कि हम ये इलेक्शन को जो खराब कर रहे हैं, ये मुल्क का बड़ा सरमाया लगता है इलेक्शन पे, 50 अरब रुपए लग रहे हैं और उसमें अगर इस किस्म का इम्तियाज करके आपने इलेक्शन को खराब कर दिया तो ये असेंबलियां देर पा नहीं होंगी। आज यहां खड़े होकर मैं चेयरमैन बिलावल साहब की वसादत से ये मुतालबा करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए। ये तमाम वसायल जो रियासत के हैं वो अपने लाडले प्लस पे ही खर्च ना हो किए जाए। और आखिर में मैं अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी को एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप मैं शहीदों का खून है, और शहीदों को इस वक्त ये एक बात हमें नोट करनी चाहिए कि शहीदों के नाम पे पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी हजीमतें दी जा रही हैं। वो शहीद हमारे शहीद हैं, वो शहीद जो अफवाज पाकिस्तान में वतन अजीज को दिफा करते हुए जान देते हैं, वो हमारे शहीद हैं, वो हम सबके शहीद हैं। हम उनका एहतराम करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, लेकिन उनके नाम पे अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती हो तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरिश्त ही नहीं कि उसको कबूल करे। बहुत जिला गुजरात और जिला मंडी बहाउद्दीन ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिला है। पूरे पाकिस्तान में जितने ओवरसीज हैं पाकिस्तानी, इन दो जिला में पूरे पाकिस्तान से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। आप जब वजीर खारजा थे तो आपने जिला गुजरात और जिला मंडी बहाउद्दीन के लिए फॉरन ऑफिस अटेस्टेशन काउंटर की मंजूरी दी, उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। और कमर दमान कायरा साहब की विसासत से ये बहुत बड़ा काम हुआ है जो कई सालों से इन दो अजला के अवाम की जरूरत थी। बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, बढ़ते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। जनाब चौधरी कमर दमान कायरा साहब।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालो पीपल्स पार्टी पीएसएफ पीवाईओ के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटों, मैं आज आपको सलाम करता हूं कि आज आप अपने चेयरमैन, अपने महबूब चेयरमैन, इस मुल्क की उम्मीदों का सहारा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस्तकबाल के लिए यहाँ एक दूर दराज इलाके में ठंड के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इस जोशो खरोश से तशरीफ लाए हैं, आपकी हिम्मतों को सलाम है। जनाबे चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सारी पार्टी के कारकुनों की तरफ से कि आपने अपनी मसरूफ तरीन मुहिम के दौरान हमारे लिए वक्त निकाला है और यहां तशरीफ लाए हैं। ये इलाका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था, आज जहां हम जलसा कर रहे हैं यहां से हमारे भाई चौधरी अहमद मुख्तार साहब इलेक्शन लड़ा करते थे, आज वो दुनिया में नहीं लेकिन उनका एक अच्छा नाम इस इलाके के अंदर मौजूद है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज इलेक्शन की इस मुहिम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमारे नौजवान चेयरमैन ने इस मुल्क के मसाइल का हल लोगों के सामने एक चार्टर की सूरत में पेश किया है, एक मैनिफेस्टो की सूरत में पेश किया है और आज हमारे मुखालफीन इस बात से घबराए हुए हैं कि चेयरमैन साहब ने जो मंशूर दिया ये तो लोगों के दिलों की आवाज है, ये तो पीपल्स पार्टी की असास है, ये जब लोग सुनेंगे इसीलिए लोग चौक दर चौक चेयरमैन साहब की तरफ लौट रहे हैं। जो पंजाब को अपनी जागीर समझना शुरू हो गए, आज उनको समझ आना शुरू हो गया कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपने नाना की जगह लेनी शुरू की है, अपनी माँ की जगह लेनी शुरू की है और इंशाल्लाह न सिर्फ सिंध, न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान जीतेंगे और यहाँ पे अवाम का राज कायम करेंगे। हमारे मुखालिफ